फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं देखने जा रहा हूँ कि गोवा और पोर्टुगीज का और इंडियन आर्मी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी ऐसा है कि मतलब सबसे जो है मतलब पोर्टुगीज जो है हमारे देश जब आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद भी जो है पोर्टुगीज जो है वो हमारे गोवा पे कब्जा किया हुआ था। और जब गोवा पे कब्जा किया हुआ था तो उस समय ऐसा स्ट्रेटेजी बना कि गोवा को जो है स्वतंत्र कराना है। स्वतंत्र कराने के लिए पोर्टुगीज क्या सोचते थे कि जो पहले के स्ट्रेटेजी को जो है वो थोड़ा सा रीबैलेंस करके और रीथिंकिंग करके वो स्ट्रेटेजी को, पोर्टुगीज ऐसा सोचता था कि इंडियन आर्मी जो है मतलब एयरबोर्न जो बटालियन है वो हमारे मतलब ऊपर से जो है एक्शन में आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो एक्शन ये सोचना था कि एक्शन जो है वो एयर टू सरफेस होगा, बट दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग रॉन्ग एंड द द द सीक्वेंस एंड द वो टारगेट जो था वो उस तरीके का नहीं था। हमारे इंडियन आर्मी ने जो स्क्वाडन है वो ऐसा सोचा कि पहले जो है ये मतलब उनके माइंड मैपिंग किया और उसके बाद उन्हें जो है वो समझ में आ गया कि अब जो है मतलब हवा से नहीं बल्कि पांव पैदल ही जाना पड़ेगा। और इसी वजह से क्या हुआ कि उस ऑपरेशन का नाम विजय दिया गया। और ओके, और वो विजय ऑपरेशन जो है वो गोवा में ही कोस्टल लाइन है जो 250 माइल दूर था बॉम्बे बॉम्बे से। और फिर ये नवंबर 1961 में हुआ था। इंडियन आर्मी फॉर्मुलेटेड प्लेन्स जो है पोर्टुगीज कॉलोनी था उस समय गोवा, तो उसको आजाद करवाया था। अभी हुआ क्या कि पैराट्रूप्स जो है वो ओवर हिम्स एंड एस्टेब्लिश 4500 डिफेंडर्स। द पोर्टुगीज जो है एक्सपेक्ट किया था कि उनका एयर बोर्ड असर्ट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। टॉप्स जो है पांव पैदल पहुंच गए और वो उसमें था 2 बटालियन पारा बटालियन, और वो मूव किया विद ऑन फुट, ओके, पांव पैदल। 17 दिसंबर को जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो पूरे जितना भी पोर्टुगीज ट्रूप्स था उसको सरेंडर करवा दिया। और फिर क्या था कि लेटर मॉर्निंग जो है वहाँ पे पहुंचा और पूरे आजाद करवा के जो है मतलब एक ही दिन में जो है पहुंचने के बाद मुश्किल से एक दिन भी नहीं लगा सही से, और एक दिन में ही जो है गोवा को रिकैप्चर करवा दिया, ओके, और पोर्टुगीज को जो है वो वहाँ से हटना पड़ा, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। तो ये जो है दिस इज द ब्रेवरी स्टोरी ऑफ आर इंडियन आर्मी एंड इंडियन पारा कमांडोज।